हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीनास क्रिएशन। मैं हूं बीना और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं गुजरात की फेमस रेसिपी दूधपाक, जो बच्चों से लेकर बड़ों को बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही यमी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं और ये झटपट बन जाता है, तो चलिए इसकी वीडियो को देख लेते हैं। तो दूधपाक बनाने के लिए हमें एक टेबलस्पून या फिर एक टीस्पून जितने चावल ले लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। इसे हमें 10 से 15 मिनट भिगा के रख देना है, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके। चावल भिगाने से पहले 2-3 पानी से चावल को वॉश कर लें। अब मैंने यहाँ पर गैस पे एक पैन ले लिया है, भारी तले वाला, उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि दूध जो है वो तले में चिपके नहीं। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 लीटर जितना गाय का दूध, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। तो आपको जितना भी दूध पाक बनाना हो उतना आप दूध ले लें अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर 1/2 किलो जितना दूध ले लिया है। इसे हमें 2-3 उबाल आने तक पकाना है और इसमें जो बीच बीच में मलाई ऊपर आ जाती है तो इसे हमें स्पैचुले से चला देना है और इसे हमें दूध में मिक्स कर देना है ताकि मलाई जो है वो साइड में चिपके नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दूध में उबाल आ चुका है। तो इसे हम 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फुल फ्लेम पे भी दूध को पका सकते हैं, तो ये झटपट बन जाएगा। तो बीच बीच में हमें इस तरीके से स्पैचुले से चला देना है, जो मलाई इकट्ठा हो जाती है उसे हमें दूध में वापस से मिक्स कर देना है ताकि जो हमारा दूध पाक है वो बहुत ही अच्छा बने। तो फ्रेंड्स, अब इस टाइम पे मैंने यहाँ पर 2 से 3 बार दूध को उबाल लिया है। अब मैंने जो चावल भिगो के रखे थे वो भी अच्छे से भीग चुके हैं। करीबन मैंने 15 मिनट तक ये चावल भिगा के रखे थे, तो इस टाइम पे मैं दूध में चावल ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये दूध पाक बनाने में चावल बहुत ही कम लगते हैं, जितने भी कम चावल होंगे उतना ही दूध पाक जो है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो चावल को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और इसे भी हमें अच्छी तरीके से पका देना है। हालांकि हमने चावल को भिगोया था इसीलिए पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, करीबन 10 मिनट लगेंगे इसे पकने में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे चावल जो हैं वो एकदम से पक चुके हैं, एक एक दाना उसका आप इसमें दूध में देख सकते हैं। तो इस टाइम पर हम ऐड कर देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप जितना चीनी लिया है, आप चीनी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना भी आप मीठा खाते हो उस हिसाब से आप चीनी का ऐड करें। मैंने यहाँ पर 1/2 किलो दूध में 1/2 कप चीनी डाला है और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। तो 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर इलायची पाउडर को ऐड कर देंगे और उसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चारोली, इसे चिरोली भी कहा जाता है। तो अभी मैंने 1 टीस्पून जितना इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा बहुत हम इसमें ऊपर से डालेंगे, तो इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और साइड साइड में जो भी मलाई इकट्ठा हुई है उसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे जामफल पाउडर। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर जामफल पाउडर ऐड कर देना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दूध पाक में। अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून जितना जामफल पाउडर ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध में बबल्स आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। हमारा दूध पाक सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं या फिर इसे 1/2 घंटा फ्रिज में रख के सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। ठंडा हो जाने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग कर देंगे, इससे ये बहुत ही यमी लगेगा, टेस्टी लगेगा। तो मैं यहाँ पर बादाम, पिस्ता और चारोली की कतरन डाल रही हूँ। अगर आपके पास घर में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसे यूं ही खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर से बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पास में दिए गए बेल बटन को जरूर से क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले आप मेरे वीडियोज़ को देख सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई रेसिपी के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।